डॉक्टर प्रशांत जोशी, एमडी मेडिसिन. आई एम वर्किंग एट रमन्स क्लिनिक एंड आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 12 इयर्स. टुडे द टॉपिक ऑफ डिस्कशन विल बी हाइपरटेंशन. सो आज हम लोग ब्लड प्रेशर के बारे में बात करेंगे. ब्लड प्रेशर है क्या एग्जैक्टली? ब्लड प्रेशर मतलब रक्तचाप, उच्च रक्तचाप. जब ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ जाता है उसको हम लोग उच्च रक्तचाप बोलते हैं. रक्तचाप रक्तवाहिनी में बहते रक्त द्वारा वाहिनियों की दीवालों पर डाले गए दबाव को बोलते हैं रक्तचाप. तो नॉर्मल भाषा में हम लोग बीपी को सिस्टमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय कार्डियक आउटपुट को हम लोग बीपी बोलते हैं. अभी हम लोग को ब्लड प्रेशर के बारे में रिस्क फैक्टर्स क्या है वो जानना चाहिए, जिसके हम लोग ब्लड प्रेशर के बारे में टोटल जानकारी प्राप्त कर सके. रिस्क फैक्टर दो किस्म के रहते हैं, एक है मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स और दूसरे होते हैं नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स. अभी नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स मतलब क्या और वो क्या है? सबसे पहला जैसे कि एज है. अभी एज के हिसाब से जैसे एज बढ़ता है वैसे बीपी बढ़ता है, तो वो चीज हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते. दूसरा जेंडर, अभी मेल पेशेंट्स में बीपी होने के चांसेस ज्यादा है बिकॉज स्ट्रेस लेवल ज्यादा रहता है काम की वजह से, तो दैट इज वन ऑफ द फैक्टर विच कैन बी मॉडिफाइड. थर्ड इज जेनेटिक फैक्टर. अभी जेनेटिक फैक्टर हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते. एथेनिसिटी मतलब कैसा है, ब्लैक पॉपुलेशन है व्हाइट पॉपुलेशन है उसमें भी चेंजेस नहीं कर सकते बिकॉज एथेनिसिटी के हिसाब से ब्लैक पॉपुलेशन आर मोर प्रोन टू सफर फ्रॉम हाइपरटेंशन. सो अभी रेस एथेनिसिटी के अलावा जो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हो गए, अभी हम लोग मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे. सबसे पहला आता है अनहेल्दी डाइट. अनहेल्दी डाइट सबसे बड़ा कारण है ब्लड प्रेशर का. अनहेल्दी डाइट मतलब जो आज की डेट में हम लोग फास्ट फूड जंक फूड खाते हैं, पिज्जा है, बर्गर है, फ्रेंच फ्राइज है, कोल्ड ड्रिंक्स है, वो सब जितना भी खाते हैं वो अनहेल्दी डाइट है. समय पे ना खाना भी गलत है. जैसे कि अभी समझो 1 बजे का दोपहर का टाइम है, आप 4 बजे तक 5 बजे तक शाम को नहीं खाओगे, वो टाइम पे आप खाना खाओगे तो वो भी गलत है. रात को 9 साढ़े 9 के पहले नहीं खाओगे, 8 बजे 8:30 9 के आसपास नहीं खाओगे, आप सीधा 12-1 बजे रात को खाना खाओगे वो भी गलत है. दैट इज ऑल्सो एन अनहेल्दी फूड ईटिंग डाइट, तो वो भी एक कारण है. दूसरा सबसे बड़ा कारण है एक्सेसिव सॉल्ट इनटेक इन डाइट. जैसे कि अभी समझो आप 5 ग्राम से ज्यादा सॉल्ट अगर खाओगे खाने में डेली तो वो चीज शरीर के लिए हानिकारक है, तो आपको वो भी एक बड़ा रिस्क फैक्टर है. दूसरा पोटेशियम इनटेक अगर आपका कम है, जैसे कि फ्रूट्स वगैरह नहीं खाते हो तो वो पोटेशियम देते हैं तो वो नहीं जाते बदन में, तो वो भी एक हाई रिस्क फैक्टर है. इसके अलावा फिजिकल इनएक्टिविटी मतलब क्या, सिडेंटरी लाइफस्टाइल मतलब कैसा है, बैठिया रहा जीवन, आप बैठे हो काम कुछ नहीं, मतलब काम कर रहे हो बट आपका एक्टिविटी नहीं हो रहा, फिजिकल इनएक्टिविटी, तो वो भी एक सिडेंटरी लाइफस्टाइल है, उसको भी हम लोग एक कारण रिस्क फैक्टर बोलते हैं. उसके अलावा जो है वो ओबेसिटी मतलब मोटापा, जितना ज्यादा मोटापा है उतना ज्यादा प्रॉब्लम है, उतना बीपी भी बढ़ेगा और उतना शुगर भी बढ़ेगा. अभी मोटापे के लिए मैं बीएमआई आपको एक बेसिक जो है वो बता दूं. बीएमआई मतलब बॉडी मास इंडेक्स. बॉडी मास इंडेक्स नॉर्मली 18.5 के नीचे होता है, जिसको 18.5 के नीचे मतलब अंडरवेट, अगर 18.5 से 24.99 तक है उसको हम लोग नॉर्मल हेल्दी वेट बोलेंगे. 25 के ऊपर है 29.99 तक तो उसको हम लोग ओवरवेट बोलेंगे, और 30 के अबाउ जो अगर बीएमआई तो हम लोग उसको ओबेस बोलेंगे. तो अभी ओबेसिटी एक कारण है, हाई रिस्क फैक्टर है. जितना ज्यादा ओबेसिटी है उतना ज्यादा हाई रिस्क फैक्टर है बीपी के लिए और इवन शुगर के लिए, इवन कोलेस्ट्रॉल के लिए. तो मोटापा है, फिर उसके अलावा हाई कोलेस्ट्रॉल, अल्कोहल यूजेज. अभी हम लोग काफी पेशेंट्स देखते हैं जो जिनको अल्कोहल पीने की आदत होती है, वीकेंड हुआ चलो अल्कोहल पिए, तो दैट इज ऑल्सो वन अमंग्स द रिस्क फैक्टर. और इसमें अल्कोहल में ये आप बात ध्यान रखना है कि ऐसा कोई लिमिट नहीं है कि इतना लिमिट में पिएगे तो डैमेज नहीं होएगा बीपी या शुगर के लिए या लीवर को, ऐसा नहीं है. अभी गाइडलाइंस चेंज हो गया, अभी के नए गाइडलाइंस के हिसाब से अल्कोहल आप जितना कभी भी पियोगे, ज्यादा भी पियोगे या कम पियोगे, वो आगे जाके डैमेज करेगा ही करेगा. अपार्ट फ्रॉम अल्कोहल यूज द अदर फैक्टर्स इंक्लूड्स टोबैको यूज, तंबाकू खाते उससे भी बीपी कोलेस्ट्रॉल में असर होता है. उसके अलावा स्मोकिंग, सिगरेट स्मोकिंग या बीड़ी स्मोकिंग, उससे भी फर्क पड़ता है.
उसके अलावा कैफीन यूज, जो कॉफी पीते हैं रेगुलरली, उसमें भी बीपी पे असर करता है। उसके अलावा सबसे बड़ा कारण है आज की डेट में पुअर इनएडिक्वेट स्लीप, मतलब प्रॉपर स्लीप नहीं होती, रात को खाए प्रॉपर नहीं खाए, रात को सीधा सो गए लेट के, फिर बाद में हाथ में मोबाइल लिया, दो दो तीन तीन बजे तक जागे, ऐसा नहीं होना चाहिए। समय पे सोना चाहिए, प्रॉपर स्लीप, अगर आप जितना जल्दी हो सके रात को अर्ली टू बेड जाओ, अर्ली टू वेकअप, इससे बहुत अच्छा होता है। दैट इज पुअर स्लीप, इनएडिक्वेट स्लीप इज वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स। इसके अलावा कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज होता है, उसी पिल्स, दैट इज वन ऑफ द एडिक्शन फैक्टर फॉर दिस ब्लड प्रेशर। उसके अलावा हम लोग सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, जितना हाई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है उतना हाई बीपी होने के चांसेस ज्यादा है। उसके अलावा सैचुरेटेड फैट्स का जितना ज्यादा इंटेक होता है उतना एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और बीपी बढ़ता है, तो वो चीज हमें ध्यान में रखना है। उसके अलावा कुछ ऐसे ड्रग्स है जैसे कि स्टीरॉइड्स वगैरह, जो कभी कभी पेशेंट को सांस की बीमारी में या फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बीमारी में चालू होते, वो भी एक कारण है, हाई रिस्क फैक्टर है जिसके वजह से बीपी बढ़ता है, तो दैट इज वन ऑफ द एडिशनल फैक्टर। इसके अलावा स्ट्रेस, स्ट्रेस एक हाईएस्ट रिस्क फैक्टर है जिससे आज की डेट में सबका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। नॉर्मली स्ट्रेस के वजह से आप जितना स्ट्रेस लोगे उतना अपने बॉडी में कैटेकोलामाइंस लेवल रिलीज होगा, और जितना कैटेकोलामाइंस लेवल रिलीज होगा उतना बीपी शूटअप होएगा, कोलेस्ट्रॉल शूटअप होएगा, शुगर शूटअप होएगा, तो दैट इज वन ऑफ द रिस्क फैक्टर। उसके अलावा डायबिटीज मेलिटस इज वन ऑफ द एडिशनल रिस्क फैक्टर्स। आप देखेंगे अगर 6 में से 10 पेशेंट है डायबिटीज के, तो 10 में से 6 पेशेंट को डायबिटीज के अलावा ब्लड प्रेशर भी है, तो दैट इज वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स। अभी हम लोग रिस्क फैक्टर्स डिस्कस कर लिए, मॉडिफाइबल एंड नॉन मॉडिफाइबल। अभी हम लोग रिस्क फैक्टर्स के अलावा आज टाइप्स के बारे में बात करेंगे। वन इज प्राइमरी हाइपरटेंशन, सेकेंड इज सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन को हम लोग एसेंशियल हाइपरटेंशन भी बोलते हैं। ज्यादा करके लोगों में ब्लड प्रेशर का कारण नहीं मिलता है, जो मालूम ही नहीं रहता है कि क्यों हुआ ब्लड प्रेशर, उसको हम लोग प्राइमरी हाइपरटेंशन बोलते हैं। बीपी ज्यादा रहता है बट कॉज अननोन रहता है, जिसको हम लोग प्राइमरी और एसेंशियल हाइपरटेंशन बोलते हैं। यूजुअली इट इज फाउंड इन ऑलमोस्ट 90-95% ऑफ द पीपल में ये पाया जाता है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन रहता है वो 5-10% सब्जेक्ट्स में पाया जाता है, बट इसमें आइडेंटिफाइबल कॉज रहता है जिसके जरिए हम लोग को मालूम होता है कि हाँ ये बीमारी था पेशेंट को जिसके वजह से बीपी हुआ। जैसे कि पेशेंट को क्रॉनिक किडनी डिजीज हो सकता है, पेशेंट को हार्ट का प्रॉब्लम पहले से हो सकता है, या फिर स्लीप एपनिया, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जो बोलते हैं हम लोग, अगर समझो मोटापा ज्यादा है जिसको पिकविकियन सिंड्रोम होता है, ऐसे पेशेंट में ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होता है, मतलब रात में खर्राटे आते हैं, वो भी एक कारण है बीपी होने का। कुछ कारण जो दूसरे है सेकेंडरी हाइपरटेंशन के, वो एक कारण ओसी पिल्स है, जो हम लोग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो लेते हैं फीमेल्स, उनको भी ऐसा बीपी बढ़ सकता है। कुछ ऐसे कारण है जैसे कि NSAIDs बोलते हैं, मतलब नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, जो पेन किलर्स रहते हैं, जो कभी रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या ऐसी बीमारी में कभी लेना पड़ता है, अगर लॉन्ग टर्म लिए तो वो किडनीज पे भी असर करता है और बीपी पे भी असर करता है। तो उसके अलावा कुछ ऐसे ड्रग्स है जैसे कि कुछ लोग कोकेन लेते हैं, तो वो सब भी कारण है सेकेंडरी हाइपरटेंशन होने के। कुछ पेशेंट्स में किडनी प्रॉब्लम है जिसको हम लोग क्रॉनिक किडनी डिजीज बोलते हैं, तो रीनल डिजीज इटसेल्फ मैनिफेस्ट, इटसेल्फ कॉजेस इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। इसके अलावा कभी हेड इंजरी हुआ हो, किसी को ट्रॉमा हुआ हो, किसी को ब्रेन ट्यूमर हुआ हो, किसी को कुशिंग डिजीज है, किसी को लीवर का प्रॉब्लम है, सिरोसिस है, उसके वजह से भी बीपी बढ़ सकता है। तो ये सब कारण है प्राइमरी और सेकेंडरी के, ये जो मैंने बताया अभी सेकेंडरी हाइपरटेंशन के सब कारण है, कॉजेज है। अभी हम लोग कुछ ऐसी ब्लड प्रेशर के बारे में बात करेंगे जो हम लोग को मालूम होना चाहिए, जो एक किस्म का ब्लड प्रेशर जो होता है जिसको हम लोग वाइट कोट हाइपरटेंशन बोलते हैं। मतलब क्या कि ऐसे सर्कमस्टेंसेस में आप अगर घर पे हो गए तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है, बट आप क्लिनिक में डॉक्टर के पास जाओगे तो कभी कोई पेशेंट डर आता है, ट्रेमर्स होता है, हाथ पैर कांपता है, कभी धड़कन तेज हो जाती है, या फिर सडनली बीपी शूटअप हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट को हम लोग बोलते हैं वाइट कोट हाइपरटेंशन। मतलब कैसा है कि वो लोग को एक्चुअल में ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती, बट व्हेनेवर दे कम टू क्लिनिक दे मीट अ डॉक्टर, दे सी अ डॉक्टर, दे सफर फ्रॉम वाइट कोट हाइपरटेंशन, तो वो चीज होती है। तो उसके लिए दैट डज नॉट रिक्वायर ट्रीटमेंट, बट दैट नीड्स टू बी मॉनिटर्ड के सही में बीपी है कि नहीं है।
उसके लिए आप पेशेंट को 3 बार बुलाओ, 3 बार चेक करो, हो सके तो घर पे चेक करो रिलैक्स स्टेट में, तो पता चलेगा अगर तभी बीपी बढ़ा है तो फिर दैट इज नॉट राइट पोर्ट हाइपरटेंशन, अगर घर पे भी बीपी बढ़ा है तो। इसके अलावा एक ऐसी बीमारी है जिसको हम लोग बोलते हैं मास्ट हाइपरटेंशन। मास्ट हाइपरटेंशन मतलब क्या कि बीपी अगर आप क्लिनिक में चेक करोगे तो नॉर्मल होता है, ऑफिस में चेक करोगे तो नॉर्मल होता है, पर अभी बाहर कभी गए पेशेंट या ऐसा चेक किया समझो, तो पेशेंट को सिम्टम्स आता है उस वक्त अनजाने में, अगर समझो जानने में चेक किया तो फिर बीपी बढ़ के आएगा, उसको हम लोग मास हाइपरटेंशन बोलते हैं। एलिवेटेड बीपी आउट ऑफ द क्लिनिक इज बेसिकली लेबल्ड एज मास हाइपरटेंशन। तो क्लिनिक के बाहर अगर बीपी अगर घर पे या कहीं पे चेक किया, हम लोग ने घर पे चेक किया रिलैक्स स्टेट में और बीपी बढ़ के आया तो दैट इज बेसिकली मास्ट हाइपरटेंशन। क्लिनिक में चेक किया नॉर्मल आया, बट घर पे चेक किया बढ़ के आया तो दैट इज अ मास्ट हाइपरटेंशन, दैट रिक्वायर्स अ ट्रीटमेंट। तो अभी इसके अलावा हम लोग कुछ क्लासिफिकेशन है ब्लड प्रेशर के, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट जो बेसिक है जो मैं आपको बताना चाहूंगा जिससे आपको एटलीस्ट बेसिक नॉलेज मिले, कुछ JNC 7 क्राइटेरिया है, क्लासिफिकेशन है जिसको हम लोग नॉर्मल बीपी, जैसे कि नॉर्मल बीपी इज कंसिडर्ड लेस देन 120 सिस्टोलिक एंड लेस देन 80 डायस्टोलिक। अगर प्री हाइपरटेंशन बोलना है तो सिस्टोलिक शुड बी इन बिटवीन 120 to 139, और डायस्टोलिक अगर बोलना है तो दैट इज प्री हाइपरटेंशन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इट शुड बी इन बिटवीन 80 to 89। अभी स्टेज 1 हाइपरटेंशन किसको बोलेंगे, जब पेशेंट का सिस्टोलिक बीपी इन बिटवीन 140 to 159 है तभी हम लोग सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को बोलेंगे इट इज स्टेज 1 हाइपरटेंशन विच रिक्वायर्स ट्रीटमेंट। इसके अलावा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर 90 to 99 के बीच में है तो उसको हम लोग स्टेज 1 हाइपरटेंशन बोलते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स को ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो इसके अलावा स्टेज 2 जो है मोर देन 160 सिस्टोलिक और स्टेज 2 मोर देन 100 और इक्वल टू 100 डायस्टोलिक, तो इसको हम लोग स्टेज 2 हाइपरटेंशन बोलते हैं। ये चीज मैंने आपसे शेयर किया ताकि आपको एटलीस्ट मालूम पड़े कि हम लोग को कब ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अभी इसके अलावा क्लिनिकल फीचर्स क्या है, मतलब क्या मालूम, कैसे मालूम पड़ता है कि हम लोग को ब्लड प्रेशर है। नॉर्मली जैसे शुगर की बीमारी है वैसे ही बीपी की बीमारी ऐसी है कि इट्स अ साइलेंट किलर। इससे पेशेंट को सालों तक भी अगर बीपी बढ़ा हो तब तक पेशेंट को मालूम ही नहीं पड़ता कि बीपी सही में बढ़ा हुआ है, इसके लिए इसको हम लोग साइलेंट किलर बोलते हैं ब्लड प्रेशर को। तो समटाइम्स कभी कभी पेशेंट को सिर में दर्द होता है, समटाइम्स पेशेंट कैन प्रेजेंट विथ हेडेक, गिडीनेस, डिजीनेस, कभी चक्कर आता है, ऐसा लगता है सर भारी हो रहा है, जकड़ाव सा लग रहा है, कभी पेशेंट को नौशिया होता है, वॉमिटिंग होता है, कभी कंफ्यूजन होता है, कभी अगर ज्यादा बहुत ज्यादा बीपी बढ़ा है तो नाक से खून आ सकता है जिसको हम लोग एपिस्टैक्सिस बोलते हैं, कभी पेशेंट बोलता है सर मेरे को बहुत थकावट हो रही है, फटीग इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्लिनिकल सिम्टम्स, तो उस वक्त बीपी चेक कराना चाहिए अपना। थकावट का कारण बीपी भी हो सकता है, शुगर भी हो सकता है, थायराइड भी हो सकता है, तो क्या कराना है वो देखना जरूरी है। इसके अलावा कभी पेशेंट चेस्ट पेन लेके आ सकता है, कभी पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकता है, मतलब सांस फूल सकती है, जैसे कि कभी सीढ़ी चढ़ने गए तो सांस फूल रही है, तो दैट इज कॉल्ड एज शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, तो वो भी एक कारण है बीपी बढ़ने का जिसको हम लोग बोलते हैं इंक्रीजिंग डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक हार्ट फंक्शन। इसके अलावा कभी कभी पेशेंट को पैर में सूजन आती है तो वो भी एक कारण है, कभी कभी इरेगुलर हार्ट बीट होता है, पाल्पिटेशन होता है, वो भी एक सिम्टम्स है ब्लड प्रेशर के। अभी सिम्टम्स क्लिनिकल फीचर्स के अलावा अभी हम लोग बात करेंगे कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशंस में क्या क्या होता है, जब सबसे पहले हम लोग ब्रेन के बारे में बात करेंगे। ब्रेन में अगर समझो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, अनकंट्रोल्ड है काफी ज्यादा टाइम से, तो इट कैन कॉज स्ट्रोक जिसको हम लोग बोलते हैं लकवा। लकवा मतलब पैरालिसिस, पैरालिसिस हो सकता है अगर आपका बीपी 170 या 180 या उसके ऊपर वो कंटिन्यूस लंबे टाइम तक रह रहा है, उससे पेशेंट को लकवा हो सकता है जिसको हम लोग स्ट्रोक बोलते हैं। उसके अलावा कभी कभी दिमाग की नस फट सकती है जिसको हम लोग हाइपरटेंसिव इंटाक्रेनियल ब्लीडिंग बोलते हैं, स्पेशली बीपी 180 190 या 200 के अबव हुए तभी। उसके अलावा कभी पेशेंट अनकॉन्शियस हो सकता है हाई बीपी के वजह से जिसको हम लोग हाइपरटेंसिव एनसेफेलोपैथी बोलते हैं, तो ऐसे पेशेंट में कंफ्यूजन हो सकता है, ड्राउजीनेस हो सकता है, कभी कभी आकड़ी आती है ऐसे पेशेंट्स में, कभी कभी पेशेंट भूलता है, डिमेंशिया होता है, तो ये सब चीज ब्रेन पे असर होता है अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन की वजह से। अभी इसके अलावा आंखों पे क्या असर होता है, कभी कभी पेशेंट को ब्लरिंग ऑफ विजन होता है, विजन लॉस भी होता है आगे आके, अगर समझो आपका ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल है तो।
अगर आप में चेकअप कराए तो पता चलता है पेशेंट को हाइपरटेंसिव रेटाइनोपैथी हुआ है, आंखों के पर्दे पे असर हुआ है अनकंट्रोल बीपी के होने के वजह से। तो हमारा बीपी हमें कंट्रोल रखना पड़ेगा, तो फिर आपके पर्दे पे असर नहीं होगा। इसके लिए एवरी ईयरली वी शुड गो फॉर आई चेकअप टू रूल आउट वेदर और आईज आर फाइन और नॉट, टू रूल आउट एनी रेटाइनोपैथी और नॉट। अगर आपको डायबिटीज है या ब्लड प्रेशर है, आपको रेटाइनोपैथी हुआ है कि नहीं चेकअप करना चाहिए। इसके अलावा हार्ट पे असर करता है, हम लोग ने ब्रेन के बारे में बात कर लिया, आईज के बारे में बात कर लिया, अभी हार्ट के ऊपर भी असर करता है। क्या असर करता है? अचानक पेशेंट को हार्ट अटैक आ सकता है, उनकी गुठली जम गई समझो अचानक, तो हार्ट अटैक आ सकता है। पेशेंट के हार्ट के ब्लड वेसल्स में चौकअप हो सकता है, जिसको हम लोग एथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस बोलते हैं। इसके अलावा पेशेंट को हाइपरटेंसिव कार्डियोमायोपैथी होता है, हार्ट के मसल की साइज बढ़ जाती है, जिसको हम लोग लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी भी बोलते हैं। हार्ट का एक लेफ्ट वेंट्रिकल होता है जिसकी साइज में बढ़त होती है कंटिन्यूस लॉन्ग टर्म ब्लड प्रेशर होने की वजह से। कभी कभी पेशेंट को हार्ट फेलियर भी होता है, मतलब पेशेंट हार्ट फेलियर सिम्टम्स लेके आता है, मतलब सांस फूलती है, सांस ज्यादा फूलती है, चलने पे भी कभी कभी, बैठने पे भी सांस फूलती है, इसको हम लोग हार्ट फेलियर बोलते हैं। तो वो चीज भी होता है कभी कभी। इसके अलावा किडनीज पे असर करता है, किडनीज पे क्या असर करता है, पेशेंट को कभी यूरिन कम होता है, कभी पेशेंट को झाग वाली यूरिन होती है, कभी हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी बोलते हैं उसको। आगे जाके अगर समझो अनकंट्रोल बीपी रहेगा तो इट कैन लीड टू क्रॉनिक किडनी डिजीज ग्रेड 1 2 3 4 5, आगे जाके डायलिसिस की नौबत आ सकती है। तो किडनी पे असर आए उसके पहले अपना बीपी कंट्रोल में रखना जरूरी है। इसके अलावा ब्लड वेसल्स पे असर करता है, ब्लड वेसल्स पे एथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस करते हैं जिसके वजह से हार्डनिंग होता है और नैरोइंग होता है। ब्लड वेसल है उसका नैरोइंग भी होगा और हार्डनिंग भी होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस। मतलब ब्लड वेसल्स कहीं पे भी हो, ब्रेन के हो, हार्ट के हो, पैर के हो या हाथ पैर के नसों के हो। उसके अलावा सोशल लाइफ पे भी असर करता है, सेक्सुअल डिसफंक्शन होता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी होता है हाई बीपी की वजह से, लॉस ऑफ लिबिडो भी होता है, वजाइनल डायनेस भी होता है कभी कभी, सेक्सुअल ड्राइव कम हो जाती है, वो भी एक कारण है। कभी कभी ब्लड क्लॉट्स होता है, पैर में ब्लड क्लॉट्स हो सकते हैं या कहीं पे भी ब्रेन में या हार्ट में कहीं पे भी ब्लड क्लॉट्स हो सकते हैं। उसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस होता है, ऑस्टियोपोरोसिस इज वन ऑफ द कॉज फॉर अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, इज वन ऑफ द वन अमंग्स द कॉज। तो बोन लॉस होता है क्योंकि कैल्शियम लॉस होता है यूरिन के जरिए, तो वो कैल्शियम लॉस होएगा यूरिन के जरिए तो आपका कैल्शियम हड्डी का कम हो जाएगा और फाइनली हड्डी वीक होना चालू हो जाएगी। ऐसे पेशेंट्स में गिरने पर भी पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर हो सकते हैं, तो ऑस्टियोपोरोसिस भी हो सकता है। उसके अलावा स्लीप एपनिया होता है, काफी पेशेंट्स में मोटापे के वजह से और ब्लड प्रेशर ज्यादा होने के वैसे कॉम्प्लिकेशंस के रूप में पेशेंट को ओएसए होता है। ओएसए मतलब ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, सोने सोने के टाइम कराटे आते हैं, तो वो भी एक चीज कॉम्प्लिकेशन है। तो उसके लिए अभी क्या किया जाए, अभी हम लोग आते हैं ट्रीटमेंट पार्ट पे, जो हमारी हम जो कर सकते हैं नॉर्मल, मतलब बेसिक जो बगैर बगैर मेडिसिन के हम लोग जो कर सकते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। मेडिसिन पार्ट आपको आपके डॉक्टर पे छोड़ देना चाहिए, या तो आप मेरे पास आओ, मैं देखूंगा क्या दवा लेने की जरूरत है। बट इसके अलावा हम लोग और क्या लाइफस्टाइल में चेंजेस कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में हम लोग क्या ट्रीटमेंट प्लान क्या होता है, इसमें तीन चीज है, औषध आहार और विहार। औषध आहार विहार, औषध मतलब मेडिसिन, आहार मतलब हम लोग क्या खाते पीते हैं वो। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो विहार में जो हम लोग को क्या करना चाहिए, अभी आहार में सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, वी हैव टू रिड्यूस द सॉल्ट इंटेक टू लेस देन 5 ग्राम्स पर डे। 5 ग्राम्स पर डे से ज्यादा सॉल्ट लेंगे तो आगे जाके बीपी बढ़ने के चांसेस रहता है। उसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं चेंजेस, आप वेजिटेबल्स है फ्रूट्स है खाने में बढ़ा सकते हो। फ्रूट्स बढ़ाओगे, फाइबर्स हाई फाइबर्स वाला डाइट लोगे, जैसे कि फ्रूट्स है, पपैया है, मौसम्बी है, संतरा है, ये सब आप खाओगे रिच इन फाइबर्स एंड पोटेशियम, तो उससे आपका बीपी बढ़ने के चांसेस कम हो गए। और अगर आप प्री हाइपरटेंसिव हो तो वो कम होने के भी चांसेस है। अगर आपका डायटरी फाइबर बढ़ेगा, वेजिटेबल्स फ्रूट्स का इंटेक बढ़ेगा, हाई पोटेशियम डाइट जाएगा, तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर विच कैन हेल्प। उसके अलावा टाइमली ईटिंग ऑफ फूड, समय पे आप खाना नियमित खाना खाओ तो भी मदद मिलेगी। समय पे खाना है, समय पे सोना है, एब्स्टिनेंस ऑफ एडिक्शन। आपको अगर कुछ भी किसी भी किस्म का एडिक्शन है जैसे कि स्मोकिंग, अल्कोहल या टोबैको च्यूइंग, तो आपको बंद करना चाहिए, धीरे धीरे करके बंद करना चाहिए, क्योंकि आगे जाके वो बीपी बढ़ाएगा।
स्पेशली सोना भी चाहिए समय पे, नो मोबाइल एट नाइट, स्क्रीन टाइम आपको कम कर देना चाहिए, समय पे आप सो जाओ, समय पे उठो, एंड अवॉइड अननेसेसरी क्वारल्स। मतलब समझो आप झगड़ते भी हो तभी भी पेशेंट, मतलब उस तक भी हार्ट रेट बढ़ता है, बीपी भी बढ़ता है, तो हो सके तो आप झगड़ना बंद कर दीजिए। अगर हो सके तो आप सोल्यूशन सोच समझ के समझदारी से लाइए, क्योंकि झगड़ा करना शरीर के लिए भी हानिकारक है और बीपी के लिए भी हानिकारक है। शरीर में कैटेकोलेमाइंस नाम के एंजाइम्स रिलीज होते हैं, जिससे बीपी भी शूट अप होता है, हार्ट रेट भी शूट अप होता है, शुगर भी शूट अप होता है, और कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है। वो चीज सही नहीं है। इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, अर्ली टू स्लीप, अर्ली टू वेकअप, सोना भी जल्दी जितना हो सके उतना, 12 के पहले आप सो जाइए तो बहुत अच्छा है। समय पे खाइए, हो सके दो खाने के 2 घंटे के, मतलब सोने के 2 घंटे के पहले आपका खाना हो जाना चाहिए, उसके बाद आपका वॉकिंग भी होना चाहिए, और उसके बाद सोना चाहिए आपको। उसके अलावा वेट लॉस करना चाहिए, जितना आप वेट लॉस करोगे, अगर मोर देन आप 5 kg इफ यू लूज वेट, तो फिर आपका बीपी और कोलेस्ट्रॉल दोनों। कम होगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू शुड अवॉइड बेकरी फूड्स, जितना हो सके आप बेकरी फूड अवॉइड करना है। खारी बिस्किट है, टोस्ट है, पाव है, ब्रेड है, बटर है, जंक फूड है, बर्गर है, पिज्जा है, बन है, ये सब चीज आपको अवॉइड करना है। अभी इसके अलावा बिहार में हमको जितना हो सके उतना हफ्ते के 5 से 6 दिन, हो सके तो 5 दिन आप वॉकिंग रखें, 30 to 45 मिनट्स तक आपको वॉकिंग रखना चाहिए पर डे। एटलीस्ट यू शुड ब्रिस्क वॉक फॉर 30 to 60 मिनट्स पर डे, एटलीस्ट 5 to 6 डेज अ वीक इतना आपका वॉकिंग होना चाहिए। इसके अलावा एडिक्वेट स्लीप तो मैंने बोला, रिड्यूस स्ट्रेस लेवल्स वो भी बोला। अभी बचा है योगा, योगा आप जितना करोगे उतना अच्छा है। योगा के रूप में आप अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हो, सूर्य नमस्कार कर सकते हो, और बहुत सारे दूसरे योगासन है, जैसे कि उत्तानासन है, हलासन है, अधोमुख स्वर्णासन है, उत्तान शिरोसन है, सेतु बंधासन है, सुप्त पदाकोनासन है। सुप्त पदाकोनासन मतलब पैर ऊपर करके रखना। उसके अलावा शवासन है, विपरीत करना नहीं है, विपरीत करना नहीं में दीवार को टेका लेके पैर ऊपर रहते हैं, बद्धकोणासन है, वीरासन है, ये सब आसन योगासन है, टेक्निक्स है, जिसके जरिए हम लोग बीपी कंट्रोल में रख सकेंगे। तो देर आर डिफरेंट योगासनास इंक्लूडिंग अनुलोम विलोम प्राणायाम। एंड सबसे अच्छा तरीका है, आप जो सूर्य नमस्कार करते हो 12 स्टेप, वो पेशेंट को बीपी वेट लॉस करने में बहुत हेल्पफुल करेगा। वेट लॉस जितना होगा उतना आपका बीपी है, कोलेस्ट्रॉल है, शुगर है, सब नीचे आएगा। 5 kgs आपने अगर भी वेट लॉस कर लिया तो आपका बीपी अपने आप नॉर्मल हो जाएगा, शुगर भी कम हो जाएगा, और कोलेस्ट्रॉल के भी चांसेस कम हो जाएंगे, और फैटी लीवर भी होगा वो भी कम हो जाएगा आपका। इवन स्लीप एपनिया में भी मददगार रहेगा। तो अभी इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, म्यूजिक थेरेपी सुन सकते हो। म्यूजिक थेरेपी ऑलवेज हेल्प्स। अगर आपको म्यूजिक सुनने की आदत है तो आप बीच बीच में म्यूजिक सुनो। अगर आपको स्पिरिचुअल भजन सुनने की आदत है तो आप भजन सुनो। अगर आपको मेडिटेशन करने की आदत है तो आप मेडिटेशन में टाइम डालो। और उसके अलावा यू इंक्रीज द फैमिली टाइम। और जितना आप फैमिली टाइम इंक्रीज करोगे, फैमिली में बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करोगे, बच्चों के साथ खेलोगे, उतना आपके शरीर में अच्छे हॉर्मोन रिलीज होगे, जो बीपी के लिए अच्छा है। तो बस मेरे हिसाब से इतना काफी है, तो आज के लिए इतना ही। तो ये सब फैक्टर्स आप ध्यान में जितना रखोगे उतना आपके बीपी के लिए अच्छा है।